समाचार मंदसौर से। आज दिनांक 27 अप्रैल 2021 को पुलिस लाइन मंदसौर में क्वारंटाइन सेंटर कोविड वार्ड का शुभारंभ सिद्धार्थ चौधरी पुलिस अधीक्षक जिला मंदसौर के द्वारा किया गया। इस क्वारंटाइन सेंटर को पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक तौर पर 6 बेड के साथ सभी आवश्यक आधारभूत मूलभूत सुविधाओं जैसे बेड, ऑक्सीजन इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था के साथ शुरू किया गया है, जिसे जल्द ही बढ़ाकर 12 बेड तक किया जाएगा। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। पुलिस जवान है हमारे, हमारे एसपी साहब के निर्देश से और हमारे सोनी जी यही साहब हमारे आर्य साहब से फोन आया मेरे पास कि नारू भाई अपने को सुविधा करनी है जवानों के लिए, तो मैंने सारे जवान हमारे हैं, हमारी सेवा करते हैं, हम इनकी रक्षा हम भी करेंगे। उस सोच से मैंने यहाँ 12 बेड का ऑक्शन अपना बेड कंप्लीट करे हैं और ऑक्शन उपलब्ध कराया है और ये सारी हमारे जवानों के लिए सुविधा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक महोदय लगातार इस बाबत में चिंतित थे कि हमारे पुलिसकर्मी जो है कोरोना से पीड़ित होकर और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की दौड़ पे थे, तो पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ चौधरी द्वारा जो है नेहरू खान साहब से और अन्य लोगों से संपर्क करा और इनके सहयोग से आज हमें जो है 12 बेड जो है ऑक्सीजन वेंटिलेटर सहित प्राप्त हुए हैं, और अगर किसी पुलिस वाले की क्रिटिकल पोजीशन आती है तो हम जो है इस बेड पे रखेंगे, और साथ में दवाइयों की भी विशेष व्यवस्था की जा रही है और हमें जो है नेबुलर जो सांस लेने में भी है राजा राम फैक्ट्री के द्वारा नेबुलर और कुछ फैसिल्ड भी हमें प्राप्त हुई है। ये हमारे पुलिस अधीक्षक के महोदय सिद्धार्थ चौधरी साहब के अथक प्रयासों से और आप लोगों के सहयोग से प्राप्त हो रहे हैं। थैंक यू। मैं नरवा आया हूं ना। जो पुलिस के कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं या कोरोना संदिग्ध हो रहे हैं उनके लिए पृथक से एक व्यवस्था की जानी चाहिए। एसपी साहब और अधीक्षक साहब द्वारा आदेशित किया गया, जिसपे आरई साहब ने हमारे नेहरू भाई से कॉन्टैक्ट करके आपस में समन्वय स्थापित करवा कर 2 वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें 6-6 पलंग रखे गए हैं। एक कमरे में एक तरफ 3, एक तरफ 3, इस तरीके से एक कमरे में 6, 2 कमरों में 12 पेशेंट यहाँ पर रह सकते हैं और उनके लिए ऑक्सीजन सप्लाई का सिस्टम लगाया गया है, जैसी आवश्यकता रहेगी उसे पूर्ति।